हाँ बोलो, किसका बनाना है? मेरी पत्नी का। हाँ बन जाएगा, 1000 दो। जी लीजिए 2000। 2000 क्यों? दूसरी का भी एडवांस में बना देना, और वो भी 2 कार्ड पे, शायद किसी पे लंदन की टिकट निकल आए। कहो तो आपका बना दूं? जी नहीं। अरे डोंट वरी, बी हैप्पी, 2 बनाने पर 1 फ्री में मिलता है। ये फॉर्म भरो और इधर बैठो। हाँ डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, लंदन जाओ। बोलो टिकट काटूं? कहाँ का? लंदन। फ्री में? फ्री फ्री। एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने का, 1 कार्ड मिलेगा खरोंचने का, इनाम जीतने का। बोलो काटू? तुम कौन हो? मैं पटेल दलाल, हाउ डू यू डू। अरे दलालों से मैं सावधान हूँ। क्या? मेरे पिताजी ने कहा था दलालों से हमेशा दूर रहना। अच्छा पिताजी है कि टहल गए? टहल गए मतलब गुजर गए। तभी तो, इस दुनिया में बिना दलाल के कोई टिका नहीं है भाई साहब। बोलो काटू? आना नहीं। अजीब इंसान है ये आदमी, कभी लंदन जाएगा नहीं। लिख लो आप, लंदन लंदन। जिंदगी मात ना बन जाए, थमा लो जालो। भाई साहब। जी भाई ताब। ये मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए फॉर्म कहाँ मिलेगा? बात एक ही बनवाना है या फिलहाल तो एक ही बनवाना है? जू बन जाए जू। आप दलाल हैं? क्या दिमाग तलाब हो गया क्या? मैं तकल दे दलाल दिखता हूँ? नहीं नहीं पूछा। आप चोल हैं क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? नहीं पूछा। बहरहाल तुम ये बताओ कि ये आवेदन पत्र या फॉर्म कहाँ मिलेगा? वो टीना जी के पास। ये टीना जी कहाँ मिलेंगी? पांडे जी के बगल में। पांडे जी कहाँ मिलेंगे? उषा जी के बगल में। उषा जी की बगल कहाँ मिलेगी? अरे बगल में। आप टीना हैं? राइट। अरे फिर से राइट, अब ये कौन सा वाला राइट था? मैं ही टीना हूँ, आपको क्या चाहिए? गुड, मुझे एक आवेदन पत्र चाहिए, फॉर्म। डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है? जी। नाम बताइए। मुसद्दीलाल सिंगल। रसीद दीजिए। रसीद किस चीज की? शमशान घाट की रसीद। शमशान घाट की रसीद? जलावन की रसीद। जलावन? जब आपके पिताजी मरे तो उन्हें जलाया गया या बहाया गया? जी जी जलाया गया था। तो उस जलावन की रसीद होनी चाहिए ना, कहाँ है? कहाँ से मिलती है वो रसीद? शमशान घाट से मिलती है, आपने नहीं ली? नहीं। अरे लेकिन क्यों? मगर उस रसीद की जरूरत क्या है? आपके पिताजी को जलाया गया, इसका सबूत क्या है? मैं उनका बेटा यहाँ पे हूँ, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता? आप सच बोल रहे हैं, इसका क्या सबूत है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, कमाल है। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, लोग झूठ मूठ अपने बाप को मार देते हैं और यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवाने आ जाते हैं। मैडम लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? प्रॉपर्टी के चक्कर में। देखिए यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं मिलता जब तक रसीद ना पेश की जाए। तो रसीद कहाँ से लाऊं? शमशान घाट से लाइए। ठीक है मैं कल ला के दे दूंगा। कल संडे है। तो संडे को तो शमशान घाट बंद नहीं रहता मैडम। हमारा ऑफिस तो बंद होता है ना। देखिए मैडम आप जल्दी कीजिए, हमारा बंद होने का वक्त हो रहा है। ओके ठीक है ठीक है, बस मैं यूं गया और यूं आया, समझिए। क्या जहलपन है ये, है क्या पान? अच्छा आप यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं या पान थूकने के लिए आते हैं? पान थूकने। अच्छा ओ, आपका कसूर नहीं है, और दरअसल जिसका कसूर है वो भी बेकसूर है। What do you mean? ये जो सूट टाई वगैरह आपने पहना हुआ है, पहना तो ऐसे जैसे आप यहाँ के अफसर हो। मैं यहाँ का अफसर ही हूँ, क्यों? जी आप यहाँ के अफसर हैं। ये बात क्या है? तू क्यों मचला रे? माँ कसम खा के बोल, मैं अफसर नहीं लगता क्या? तू देख तब मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा सर। नहीं तू बोल। वो आया था उसी से पूछ लेना बस। ये लीजिए रसीद। ये कैसी रसीद है? शमशान घाट की। तो वहाँ की रसीद यहाँ क्यों? वो पिताजी के मरने का सबूत। अरे हमें सबूत की क्या जरूरत है, आप पर भरोसा है हमें। क्या? ये लीजिए फॉर्म और 10 रुपए दीजिए। जी ये लीजिए 10 रुपए। थैंक यू। ये फॉर्म भर के उषा जी के पास जमा करवा दीजिए। अच्छा ठीक, थैंक यू। बखुरदार तुम्हें ये फॉर्म भरना आता है? जी, ऊपर जो मरा है उसका नाम, और फिर जो पहले मर चुका है उसका नाम, और सबसे नीचे अब जो मरने वाला है उसका नाम भर दीजिए। क्या? ओ भाई साहब आप जरा खिसक लो, खिसक लो। चलो नमस्ते चाचा। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पर अभी जो मरे हैं ना उनका नाम, और यहाँ नीचे जो मरने वाला है यानी मैं। हाँ कुछ समझ में नहीं आता, अजीब सा लंबा चौड़ा सा फॉर्म बना दिया इन्होंने। तो केवल लंबे चौड़े के चक्कर में फंसते हो,
शॉर्टकट में काम निपटा लो। देखो 1000 लगेंगे, कल डेथ सर्टिफिकेट आपके हाथ में दे दूंगा। नहीं मान लीजिए चाचा, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपका काम होगा या तो नहीं होगा। होगा तो अच्छा है, मगर नहीं हुआ तो दो बातें होगी, या तो आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छा है आपके लिए, मगर नहीं मिला तो दो बातें होगी, या तो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी आपके नाम होगी या तो नहीं होगी। होगी तो तकदीर आपकी, मगर नहीं हुई तो दो बातें होंगी, या तो आप कर्जे में डूब कर मर जाओगे या तो आत्महत्या कर लोगे। आत्महत्या करोगे तो पुलिस अपने आप आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे देगी, इजी इजी। मगर खुद मरे तो फिर दो बातें होंगी, या तो आपका बेटा बेटा है, हाँ है, हाँ गुड, या तो आपका बेटा आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाने यहाँ आएगा या तो नहीं आएगा। यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, और आएगा तो दो बातें होंगी, या तो वो मुझसे मिलेगा या तो अंदर जाएगा। मुझसे मिला तो अच्छा है, मगर अंदर गया तो क्या? आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा भी आपकी तरह मरे? नहीं मैं ये नहीं चाहता। तो फिर ओ भाई साहब, अरे अजीब आदमी है, इसके बाप का डेथ सर्टिफिकेट बने ना बने इसका जरूर बन जाएगा जल्दी से। मैडम एक मिनट। ये मैडम एक मिनट, बाबा एक मिनट लेती हूँ। नहीं नहीं मुझे फॉर्म जमा नहीं करना है। क्यों, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? नहीं वो तो चाहिए, लेकिन मुझे फॉर्म भरना नहीं आता, तो मुझे प्लीज बता दीजिए फॉर्म कैसे भरा जाता है। ओफो, लिखो ऊपर मरने वाले का नाम लिखो। जी मुसद्दीलाल सिंगल, मेरे पिताजी। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना जरा। जी। उम्र 70 साल। गुड। लिंग? जी लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या थे आपके पिता? पिताजी का लिंग तो मतलब पुल्लिंग ही होगा ना। यही तो लिखो ना फिर। कैसे मरे? जी दिल का दौरा पड़ने से। तो ठीक है लिखो हार्ट अटैक, और डेट भी लिख दो। डेट तो 10 दिन पहले की। ठीक है लेकिन डेट तो लिखो। जी हाँ जी। और अब ऊपर जो पहले मर चुके हैं उनका नाम लिखो, मतलब मेरे दादाजी का। हाँ क्या नाम था उनका? मुसद्दीलाल सिंगल सीनियर। ठीक है वो लिखो, और नीचे जो अब मरने वाला है उसका नाम लिखो, मतलब मेरा नाम। अरे आपको तो फॉर्म भरना आता है। आपको स्वेटर बुनना आता है? जी नहीं मुझे स्वेटर बुनना तो नहीं आता मैडम, लेकिन मेरी वाइफ, क्या स्वेटर बुनती है मेरी वाइफ मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। रहने दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस 100 रुपए के साथ ये फॉर्म यहाँ रख दीजिए और जाइए। चलिए आप ये फॉर्म लीजिए, मैं 100 रुपए दे रहा हूँ आपको। ये हाँ। ये 100 रुपए हाँ। और ये फॉर्म हाँ। अरे, अरे अरे क्या किया आपने? अरे देखो देख कर उठाओ ना इसे। जी बस उठा दो। ओ कमाल करते हैं आप भी। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई? अरे क्या कर रहे हो तुम? आदमियों के पैजामा, कबड्डी खेलते रहते रास्ते में। मैडम मैडम कहाँ गई? चली गई। कहाँ चली गई? अरे आज सैटरडे है ना, इतनी जल्दी चली गई। ये आपको देने के लिए बोल गई ये लो। ये हाँ, और बोल रही थी अपनी बीवी से ट्वाइटर बनवा के लाना मंदे को। अरे लेकिन मेरा फॉर्म कब जमा होगा? अब तो जब ट्वाइटर पूरा होगा तभी फॉर्म जमा होगा। क्या मैडम मेरा डेथ सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट? नहीं मेरा मतलब है मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट। डिलीवरी तो पांडे जी करते हैं। ये पांडे जी कहाँ बैठते हैं? लेफ्ट में। लेफ्ट मतलब आपके लेफ्ट? जी। आओ। पांडे जी मेरी डिलीवरी कब मिलेगी? ये तो डॉक्टर को ही मालूम होगा। डॉक्टर? अरे नहीं नहीं मैं उस डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा डेथ सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आप मर जाएंगे। ये मैं अपने पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। 2 महीने पहले मैं सारे पेपर्स यहाँ पे जमा करके चला गया था। मेरी टेबल पे अभी तक नहीं आया। अरे तो आपको पता किसकी टेबल पे है? आपको मालूम है? जी नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इसके बारे में। तो आप जानती क्या? पिछले 2 महीने में 3 स्वेटर बनवा चुकी हैं आप मेरी बीवी से, और वो भाटिया पिछले 2 महीने में 6 बार मेरे पिताजी की तेरी पे खाना खा चुका, और ये टीना शमशान घाट से लाई गई 3 रसीदें गुम कर चुकी है। समझते क्या है आप लोग, मतलब समझते क्या है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई तो बोले बताए कि कब मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट मेरे पिताजी का, कोई तो मुंह खोलो। भगवान भगवान पहले पान थूके उसके बाद बात कीजिए। जी आपके पेपर पूरे नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक एक पेपर है इसके अंदर, एक एक सर्टिफिकेट लगा हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। किसका? आपके पिताजी का। और किसका? लेकिन वो तो मर चुके हैं। हाँ तो पैदा हुए थे ना? हाँ पैदा तो हुए होंगे, मतलब होंगे क्या, हाँ हुए थे। पक्का है? जी हाँ पक्का है। नहीं सोच लीजिए एक बार,
अरे भाई वो मरे हैं तो जाहिर है कि पैदा हुए ही होंगे। हाँ तो जिंदा होने का जो है बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास? वो किस लिए? अरे भाई जरूरी है, सरकार सबूत चाहती है कि ये बंदा जो मरा है वो पैदा भी हुआ था, यही नियम है। बड़ा बेतुका नियम है। अरे भाई जो आदमी एक बार मरा है वो जाहिर है कि कभी ना कभी पैदा तो हुआ ही होगा। देखिए सर, जो पैदा हुआ वो मरा ये निश्चित है, लेकिन जो मरा वो ससुर का नाती पैदा हुआ था कि नहीं इसमें प्रश्न चिन्ह है। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? क्यों, आपने उनके पैदा होने पर बनवाया नहीं था? नहीं, मैंने पिताजी के पैदा होने पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। अरे मैं कैसे बनवा सकता हूँ, पिताजी के जन्म पे मैं कहाँ पे था? ये पॉइंट है। लेकिन उनके पिताजी के पिताजी या माताजी उन्होंने नहीं बनवाया था? पता नहीं। नहीं वो है कि नहीं है? नहीं, गुजर गए। गुजर गए जी। उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया आपने? जी नहीं। अरे सर फिर आप उस वाली स्कीम पे क्यों नहीं काम करते, दो के साथ एक फ्री? जैसे आप अपने दादा दादी का बनवाएंगे ना तो पिताजी का तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा आपके। देखिए यहाँ पे पिताजी का बनवाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, दादा दादी का कहाँ से बनवाऊंगा? अरे सर प्रॉब्लम इतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, बस आप एक गवाह ले आइए कि ये आदमी मरा, ये जिंदा भी था, बस। ओके। नहीं नहीं तो ये गलत कानून नहीं है, फॉर्म पे ताप ताप लिखा हुआ है, आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। अरे आप जैसे पढ़े लिखे लोग टिकते नहीं पलेंगे तो भाई साहब मुझे अचानक लगने लगा कि आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं। थैंक यू। अब ये बताइए मुझे कि मैं अपने पिताजी की पैदाइश का सबूत कहाँ से ला सकता हूँ? अरे भाई अपने डॉक्टर से बात कर लो। अरे डॉक्टर नहीं होते थे उस जमाने में, दाइयां हुआ करती थी। क्या होती थी? दाइयां होती थी। मेरे पिताजी का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था, घर पे हुआ था, तो डॉक्टर कहाँ से आ गया? अरे मैं उस डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिनके हाथों आपके पिताजी मरे। वो क्या करेगा? अरे वो बताएगा ना कि मरने से पहले आपके पिताजी जिंदा थे। हाँ ये बात ठीक है, तो उसी को पकड़ता हूँ। नहीं उसकी नहीं चलेगी भाटिया। तो? आपको कैसे पता? अरे भाई हमारा धंधा है, हमको सब पता होता है ना भाटिया। मतलब? मतलब ये कि आपके पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट तो बना नहीं पड़ेगा भाई। पर बनेगा कैसे? अरे वो हम पे थोड़ दो ना। हाँ बस 10,000 का खर्चा लगेगा। 10,000? पिताजी के जन्म प्रमाण पत्र पर 10,000? उतना तो लगेगा ना। अरे इतना तो मेरे पिताजी के जन्म पे भी नहीं खर्च हुआ होगा। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्या डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? नहीं नहीं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट के बिना डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? वो तो ना मिले। हाँ? ओ लगता है इनको डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चलो चलो। नहीं 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 जरूरत तो है, उसके बिना तो जायदाद नहीं मिलेगी पिताजी की। जायदाद नहीं मिलेगी तो कर्जा कहाँ से उतरेगा, और कर्जा नहीं उतरेगा तो फिर डेथ सर्टिफिकेट तो इनका बनाना पड़ेगा। ठीक है मगर 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। अरे भाई कैसे बेटे हो, जिस बाप ने अपनी औलाद को बड़ा करने में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं उस बाप के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10,000 का खर्चा नहीं करना चाहते हैं ये? भाई हे भगवान ये कैसी औलाद देता है तू आजकल। पटेल पत्थर पे तार मत पटको, ये 21वीं सदी है, ऐसी औलाद पैदा होती। चलो चलो। अरे रुको 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 रुको, ठीक है मैं 10,000 देने के लिए तैयार। ला अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है कल दे के जाना। हाँ और फिर पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट परसों लेकर जाना। ठीक है। ये लीजिए आपके पिताजी के पैदा होने का सबूत। मुबारक तो भाई। किस बात की? अरे पिताजी पैदा हुए भाई। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा चाचा, कुछ चाय पानी? नहीं नहीं लड्डू पहले तो खिलाने पड़ेंगे। लड्डू? हाँ पैसे निकालो जल्दी से, मैं लड्डू पहले लेके आऊंगा। अच्छा ये लो लो। और मेरे लिए? अरे भाई लो लो तुम। आप नहीं रुको जाना नहीं, मैं लड्डू पहले लेके आता हूँ एक बार। मैं दुनिया का पहला बेटा होऊंगा जो अपने बाप के जन्म पे लड्डू बांट रहा। लो पांडे जी लड्डू खाओ। मुबारक हो मुसद्दीलाल जी। धन्यवाद। यही तो, अपने बेटे के पैदा होने पर भी ऐसे लड्डू नहीं बटे थे। अरे स्पेशल गेंदा वाला फायदे लेते आया हूँ, धीरज खाओ ना। नो थैंक्स मैं डाइट पे हूँ। डाइट पे आप है और पतली उषा जी हो रही है। यही तो। अब मैं खाऊंगा। अरे उनको भी तो दो आपने सीनियर शुक्ला जी को। वो तो छुट्टी पे चले गए। क्या कब? कल। क्यों? उनके पिताजी का देहांत हो गया। ओ तो कब लौटेंगे? वो तो अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के ही लौटेंगे। 10-15 दिन के अलावा 30 दिन भी लग सकते हैं इसमें। अरे तो फिर मेरे पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट का क्या होगा? वो तो शुक्ला जी से साइन के बिना बनेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूं? लड्डू खाओ। पटेल पटेल जिंदगी मात ना बन जाए थमालो दारो। अरे भाटिया साहब मैं
मैं मुसद्दी लाल, पहचाना नहीं आपने? जी बोलिए, किसकी डेथ हो गई? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे वो अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया था। तो बहुत ताले लोग आते हैं यहाँ तो। लेकिन मैंने उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था ना। तो वो तो कहीं को बनवाना पड़ता है। मैंने मिठाई भी खिलवाई थी और आपने भी खाई थी। मिठाई तो ताले खाते हैं। अच्छा वो पटेल, पटेल कहाँ है? कौन पटेल? वो जो यहाँ बाहर दलाली किया करता था ना। वो तो बात दिया भाग गया। पुलिस की लेल पली, साले दलाल पकड़े गए, पटेल भाग गया। अरे पटेल कैसे भाग सकता है? देख के नहीं लगता था ना कि वो भाग सकता है। अरे नहीं मतलब वो उसके पास पैसे है मेरे। तो मेरे पास क्या चलने आओ? तो किसके पास जाऊं? आप तो तुला दीते बात दाओ। शुक्ला जी क्या सर, आप भी गलती कर ही बैठे। अरे दलालों के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? हमने बाहर बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दलालों से सावधान, खाया गया ना झटका गुरु जी आप भी। नहीं गलती तो मुझसे हो गई, लेकिन गलती आप लोगों की भी है। आपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट बनाने में इतना समय लगा दिया। अरे सरकार, सरकारी कामकाज में तो समय तो लगता ही है ना। तो आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट बनने में तो समय नहीं लगा था? आपको कैसे पता? पता है मुझे। ठीक है पता तो हम बता देते हैं। हम अपने स्टाफ का विद फैमिली बचपन से ही डेथ सर्टिफिकेट बना के रख लेते हैं, बट डेट डालने की जरूरत है गुरु, जो जैसे जैसे गिरता जाए डेट डालते जाओ। मैं तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ आपको, आप भी अपना ही बनवा लीजिए। पहले पिताजी का तो बन जाए। अरे मतलब फिर तो नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, बाहर टीना मैडम है, जाइए उनसे फॉर्म ले लीजिए। पांडे जी डिलीवरी कब होगी? कहाँ से कब होगी, फाइल नहीं मिल रही है आपकी? तीन बार तो मैं फाइल दे चुका हूँ आपको, एक बार तो पटेल ले गया चलो ठीक है, दूसरी बार आपने कहा बारिश में भीग गई, अब तीसरी फाइल को क्या हो गया? चूहे था गए। क्या भैया, क्या हालत बना रखी है तुमने मेरी फाइल की? क्या हुआ भाटिया? लोटा फाइल भी खा गए तुम? मैं नहीं खाता, चूहे था गए। अरे यार अब क्या करोगे? अच्छा मैं क्या करूं? धीरे बोलिए, चिल्लाइए मत, तबीयत खराब है ना, धीरे से बोलिए। क्या करें, फिर से दोबारा से बनाते हैं। फिर से? हाँ इस बार मैं आपकी फाइल की केयर करूंगा। भाटिया तुमने खाई ना खाई, दूंगा कान के नीचे खींच के। सर जी आप मेरे साथ आइए, मत दिया कीजिए भाटिया को ये सब चीजें, खा पी जाता है ना। अरे मुसद्दी लाल जी। जी बाल काले करा लिए? आप तो बड़े यंग लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा हुआ आप आ गए, आज ही मैंने नया स्वेटर बुनना शुरू किया है। स्वेटर? साठ साल का बुजुर्ग या साठ साल का जवान? देखिए यहाँ, देखिए आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट बना के रखा है इतने दिन से, आप आए नहीं? ये मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं। क्या? जी ये मेरे दादाजी का डेथ सर्टिफिकेट है। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे दादाजी का डेथ सर्टिफिकेट है। तो आप वो वाले मुतद्दी लाल नहीं है तो यहाँ पे मिठाई बात की रहते? जो मेरे चार स्वेटर्स बुन के लाए थे? जी नहीं, वो मैं नहीं, मेरे पिताजी थे। ओ, तो आपने अपने पिताजी बदल दिए? जी नहीं, उनका देहांत हो गया। कब? यही कोई 15 दिन पहले, बस उन्हीं का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप बना देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बना देंगे, बस टीना जी से फॉर्म ले लीजिए आप। जी एक मिनट, एक मिनट, आपका कोई बेटा है? जी हाँ है। तब ठीक है। क्यों? नहीं सेफ्टी के लिए पूछ रहे हैं, कहीं ये डेथ सर्टिफिकेट लेने में टाइम लग गया तो आप। जी